वेस्ट सिक्किम राइड के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एपिसोड्स में मैंने आपको सिलीगुड़ी से पेलिंग और खेचियोपल्ली लेक तक का सफर दिखाया था और आज आगे की कहानी। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस एपिसोड्स, मेक श्योर टू चेक देम आउट इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। What's up ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the Gear Tales। मैं हूँ दीपजीत और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। सो टुडे इट्स 13th August 2022 एंड राइट नाउ इट्स 1:20 PM इन द आफ्टरनून और अभी मैं निकल गया हूँ खेचियोपल्ली लेक से एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स योक्सम जिसका डिस्टेंस यहाँ से है 27 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे खेचियोपल्ली लेक में मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। आई वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स और एक प्लेट चाउमिन भी खा लिया मैंने बिकॉज भूख लग रहा था। और अभी आई एम हेडिंग टुवर्ड्स युक्सम, बीच में आएगा कांचनजंगा वाटरफॉल्स। सो लेट्स कीप गोइंग एंड वेदर देख के लग रहा है कि शायद शाम को बारिश हो, लेट्स सी। ओह माय गॉड, अरे 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 दादा की दृश्य, दादा की दृश्य। ओहो हो, ठंडा ठंडा पानी, ओहो लवली। तो देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, स्वागत है सबका कांचनजंगा वाटरफॉल्स में। एज यू कैन सी तो दोस्तों कैसा लगा आपको कांचनजंगा वाटरफॉल? है ना शानदार दोस्तों, मतलब वहाँ से ना जाने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि मैं कोई एयर कूलर के सामने खड़ा हूँ, इतना फ्रेश फील हो रहा था। बाय द वे अभी मैं निकल गया हूँ युक्सम के लिए और यहाँ से युक्सम ज़्यादा दूर नहीं है और युक्सम जो है दोस्तों दैट इज़ द फर्स्ट कैपिटल और लेट्स से द एंशियंट कैपिटल ऑफ सिक्किम। और सिक्किम के जो पहले राजा थे, द फर्स्ट किंग ऑफ सिक्किम, ही वॉज कोरोनेटेड देयर एट युक्सम। तो इसीलिए युक्सम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जगह है और गोचेला ट्रैक जो है उसका बेस कैंप युक्सम में है। तो अगर आपको गोचेला ट्रैक करना है आपको युक्सम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं टुवर्ड्स युक्सम। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप चैनल का इंस्टाग्राम ID फॉलो कर सकते हो @thegeartales फॉर फोटोज़, रील्स एंड रेगुलर अपडेट्स। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके दोस्तों, फाइनली रीच्ड युक्सम। राइट नाउ इट्स 2:45 PM इन द आफ्टरनून और दोस्तों बहुत टायर्ड लग रहा है, रास्ता का कंडीशन भी बहुत बुरा था। खेचियोपल्ली लेक से युक्सम का रास्ता बहुत बुरा है, रास्ता पूरा पत्थर से भरा हुआ है और अभी फाइनली युक्सम पहुंच गया। अभी यहां से जाना है कोरोनेशन थ्रोन। कहां से है रास्ता कोरोनेशन थ्रोन का, चलो पता लगाते हैं।
Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the coronation throne of Norbugan. This place marks the great historical event of the crowning ceremony of the first king of Sikkim. यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं डुबडी मोनेस्ट्री की तरफ निकल पड़ा। रास्ते पे मुझे युक्सुम हेलीपैड मिल गया और वहाँ के सीन्स कुछ ऐसे थे। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका डुबडी मोनेस्ट्री में। एस्टैब्लिश्ड इन 1701, दिस इज द फर्स्ट मोनेस्ट्री ऑफ सिक्किम। यहाँ का चढ़ाई काफी स्टीप है और आपको इसका आइडिया मेरे सांस लेने की आवाज से पता चल रहा होगा। आफ्टर डे फुल ऑफ राइडिंग, इट वॉज क्वाइट टायरिंग टू ट्रेक टिल द टॉप, बट वंस आई रीच देयर My tiredness just vanished, and for obvious reasons. Alright, so right now it's 4 p.m. in the afternoon और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ towards Siliguri. This is Dubdi Monastery Yuksum. तो यहाँ से Siliguri का distance है 148 kilometers. Alright, so let's go. Okay, दोस्तों, so right now it's 5:30 p.m. in the evening और अभी मैं पेलिंग पहुँच चुका हूँ और यहाँ से Siliguri का डिस्टेंस है 125 किलोमीटर। गेजिंग क्रॉस करने के बाद बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा और मैं किसी तरह जोरथांग पहुँच के एक होटल बुक कर लिया जिसका प्राइस था 400 रुपये। वहाँ पर मैंने अपना डिनर कर लिया और एक पावरफुल नैप लेने के बाद अगले दिन सुबह 5:30 बजे मैं जोरथांग से Siliguri की ओर निकल पड़ा। सो टुडे इट्स 14th August 2022 एंड राइट नाउ आई एम हेडिंग होम। To sum up, on 13th August, I rode from Siliguri to Pelling, Khechupuri Lake and Yuksum. On the way back, I took a halt at Jorthang for the night and reached Siliguri on 14th August. It was indeed an awesome experience riding the Super Splendor on the hilly roads of West Sikkim and to witness the beauty with my own eyes and to share it with you all. I hope you enjoyed this series. With that said, this is your host Digi signing off and thank you so much for making me a part of your day. Take care, bye bye, see you soon.